हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर नेक्स्ट चैप्टर मल्टीमीडिया विथ फ्लैश। मल्टीमीडिया क्या है? तो बहुत सारे एक ऐसे सपोज मान लो कि वीडियो, इमेज, राइट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स जो भी है उसको एक करके एक एनिमेशन क्रिएट करता है जिसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। फ्लैश तो आप लोगों को पता ही, हम लोग उसमें वो ट्वीन मोशन वो सब सीखा था। यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिक्स, राइट। तो ये जो है पूरा, तो उसको बहुत सारे लोग ऐसे इसको यूज़ करते हैं। मान लो कि मुझे एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन करना है तो मैं ये यूज़ करूँ, राइट। ऑटोमोबाइल आर ऑल्सो डिजाइन ऑन द कंप्यूटर, ह्यूज बिल्डिंग वो सब जो है, पूरा कोई भी डिज़ाइन हमें क्रिएट करनी है तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पर उसके अंदर जो इमेजेस और ग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं वो टू मेथड होती है कंप्यूटर की मेमोरी बाय वन, टू मेथड, रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये जो होता है रास्टर, तो उसमें क्या है, देखो बहुत छोटे छोटे ऐसे पिक्सल से बनता है और जो वेक्टर है वो क्लियर होता है। यहाँ पे आपको देखा है रास्टर इमेज ऑफ द फिश शोइंग पिक्सल, ये जो पिक्सल है उससे वो पूरा पिक्चर बनता है डॉट डॉट करके, राइट। उसके बाद जो है हाई रिजोल्यूशन एंड लो रिजोल्यूशन, आप लोग तो मोबाइल में भी फोटो क्लिक करते हो, राइट। तो हाई रिजोल्यूशन में क्या होता है, पिक्चर एकदम हमें क्लियर दिखती है, और लो रिजोल्यूशन जो होता है उसमें पिक्सल हमें खींचे हुए दिखते हैं। देखो यहाँ पे पिक्सल खींचते हुए दिखते हैं, यहाँ पे एकदम क्लियर होते हैं, राइट। फिर ये मल्टीमीडिया मैंने आपको बताई कि वो सब एलिमेंट्स बन के मल्टीमीडिया बनता है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो एनिमेशन क्रिएट होता है उससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है कि कोई भी चीज़ है वो अच्छे से हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि उसमें कैसे वो मोशन और शेप ट्वीन यूज़ करते हैं। थैंक यू। तो ये है हमारा स्क्रीन। अभी ये टूल बॉक्स क्या है, ये जो होता है उसको टूल बॉक्स बोलते हैं। फिर फाइल, एडिट, व्यू वो सब लिखा है उसको बोलते हैं टैब। समझ में आया? मेनू बार, यहाँ पे सब जो टैब होती है वो क्या होता है, मेनू बार। फिर ये जो है आपको कुछ फ्रेम जैसा दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये फ्रेम की फ्रेम से ये पूरा बनता है जिसको बोलते हैं टाइमलाइन। क्या बोलते हैं? टाइमलाइन। अब ये जो वाइट कलर का जो पेज होता है उसको बोलते हैं स्टेज। स्टेज इज द स्पेस इन द सेंटर यूज टू क्रिएट द आर्ट वर्क, यानी कि ड्राइंग। अगर ड्राइंग करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे हम पेंट में ड्राइंग कर सकते थे, तो वो तो सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर के साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। टूल बॉक्स तो सबको पता ही है। टाइम और टाइमलाइन क्या है, इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स इन द एनिमेशन, यानी कि कुछ भी हम एनिमेशन यानी कि मूवमेंट कर देते हैं उसको, तो ये सब फ्रेम यूज़ करके देते हैं, वो क्या होता है, टाइमलाइन। हम लोगों ने पहले सीखा था, अभी मैं आपको एक ट्वीन सिखाऊंगी। ट्वीन्स में क्या होता है, मोशन ट्वीन एंड शेप ट्वीन। मोशन में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स मान लो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे दूसरा ड्रॉ करेंगे तो मोशन यानी कि वो मूव करेगा, और शेप ट्वीन यूज़ करेंगे तो वो एक शेप में से दूसरे शेप में वो कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो मैंने ये किया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम करेंगे, फिर सिलेक्शन टूल से इसको लेंगे इधर से इधर, और फिर इसको मोशन देना है, ट्वीन देना है। तो यहाँ पे ये जो गैप है बिटवीन ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में, कहीं पे भी इधर हम लोग क्लिक करेंगे, सिर्फ जस्ट वन क्लिक। जैसे क्लिक होता है, मैं आपको इजी वे में सिखा रही हूँ इसलिए यहाँ मैं ऐसे मेथड यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ट्वीन आ गया, अभी इसमें नॉन लिखा है, तो हम ड्रॉप एंड डैम में से मोशन ट्वीन यूज़ करेंगे। जैसे ही हम एंटर देंगे तो देखो इसको बोलते हैं मोशन। अभी इसके अंदर ही मैं आपको ट्वीन सिखाती हूँ। चलो
यहाँ से राइट क्लिक, आगे जाके कहीं पे भी यहाँ पे आप की फ्रेम सिलेक्ट करो, फिर इसको हम लोग करेंगे डिलीट, बाय बाय करेंगे, और यहाँ से दूसरा शेप इधर मैं ड्रॉ करूँगी। समझ में आया? फिर यहाँ पे बीच में कहीं पे भी क्लिक, और फिर यहाँ से हम अभी दूसरा लेंगे शेप। अभी देखो, पहले से मोशन हुआ, इधर गया, और फिर शेप ट्विन से वो कन्वर्ट होता है रेक्टेंगल में। कोई भी आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मुझे वैसे बास्केटबॉल की कोई भी बॉल को ट्रिबलिंग कराना है, तो हम पहले इधर, फिर इधर, इधर ऐसे की फ्रेम इंसर्ट करते जाएंगे और ये होता जाएगा। समझ में आ गया?